हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। सो सीए फाइनल की स्ट्रेटजी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो सभी बच्चे जिनका मई 24 में एग्ज़ाम है, ये वीडियो ज़रूर देखना और पूरा एंड तक देखना। आपको पूरा कंप्लीट तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कैसे FR को कंप्लीट करना है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो मई 24 में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स नहीं हैं। चाहे आपने मेरे से पढ़ाई की है या नहीं की है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर लिस्ट देख लो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको ये पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अब ये है क्या, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सर, FR का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है, बहुत 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 बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर FR शुरू कैसे करें। सर 2 साल पहले FR किया था, 1.5 साल पहले FR किया था, अभी समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। दूसरा सर, हमने FR तो कर लिया है पर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, शुरू कहां से करें, क्योंकि बहुत सारा वास्ट सब्जेक्ट है। सर प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और सर जो थ्योरी NDS है उसको कैसे डील करना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। मैंने पूरे FR सब्जेक्ट को मार्क्स वाइज और फेज वाइज मैंने कवर किया है। कुल मिला के मैंने, आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6, मैंने कुल मिला के 6 पोर्शंस मैंने FR में बनाए हैं, और मैंने ये वेटेज वाइज बनाया है एज पर द रीसेंट वेटेज गिवन बाय ICI। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप FR उठाओगे, आपको अभी कायदे से FR उठा देना चाहिए। अगर आप स्टडी लीव में हो, आपका मई 24 एग्जाम है, आप स्टडी लीव में आ चुके हो, तो डेफिनेटली आपको FR उठा लेना चाहिए अभी से ही। या फिर आप ये वीडियो जब भी देखो, आपको जब भी FR उठाना है तो आप इस सीक्वेंस में उठाओगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहले आपको असेट लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड्स का ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स उठाने हैं। इसमें असेट लाइबिलिटी के सारे कंप्लीट स्टैंडर्ड्स हैं। लगभग लगभग 20 मार्क्स का वेटेज है इन सबका। ये जो भी मैं वेटेज आपको बता रहा हूं, ये एज पर द रीसेंट वेटेज गिवन बाय ICI है। अब ये सारे जितने भी आपके वेटेज आपको दिख रहे हैं, 16 40 38, इसके अपोजिट में मैंने नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं। ये टेंटेटिव आवर्स हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हर बच्चे को इतने ही आवर्स देने हैं, बट ये टेंटेटिव है। इसमें प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, कोई बच्चा ज्यादा टाइम भी दे सकता है, कोई बच्चा कम टाइम भी दे सकता है। तो ये 20 मार्क्स के जो असेट लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, इनको मैंने, ये जो जो नंबर ऑफ आवर्स मैंने आपको अलॉट किए हैं, इसमें नंबर ऑफ आवर्स कंसेप्ट एज वेल एज राइटिंग प्रैक्टिस के साथ मिलाकर है। तो कुल मिला के जैसे मैंने यहां पर बता दिया कि भाई 46 आवर्स में आपको कंप्लीटली ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। अब ऊपर नीचे हो सकता है, 46 का 40 भी हो सकता है, 46 का 50 भी हो सकता है। बगल में आपको दिखेगा एक्चुअल आवर्स टेकन। अगर आप कोशिश करके इसका प्रिंट निकाल के रखिएगा ताकि आप इसको ट्रैक कर सको कि जैसे मैंने लिखा कि भाई इंडिया 16 को कितना टाइम देना चाहिए और आपने एक्चुअल में कितना टाइम दिया, तो यहां पर आप बगल बगल में लिख लेना ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि मैं कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं। अगर ले रहा हूं तो मुझे कहां पर ध्यान रखना चाहिए, मैं क्यों ज्यादा ले रहा हूं, और आगे चल के मुझे कैसे मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपना जो दूसरा पोर्शन है वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट। इसमें ये हमारे कुल मिला के 5 NDAs आते हैं। इन सबका ओवरऑल वेटेज आपका है 15 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली, और 27 आवर्स आपको इसको अलॉट करने हैं, फिर ये हो जाएगा। फिर आपका फिर स्पेशल NDAs कैटेगरी है। स्पेशल NDAs कैटेगरी में 20 21 12 33, ठीक है ना, 108 41 102 113, ये सारे स्पेशल NDAs है। कैश फ्लो, मैं कैश फ्लो को भी स्पेशल NDAs कैटेगरी में मानता हूं, मैं इसको मिसलेनियस नहीं मान रहा हूं। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली वेटेज है वो है 18 मार्क्स का, और आप इसको इतना आर्स दोगे। इस तरीके से आपको यहां पर आपको दिख जाएगा, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो आपको 12 घंटे देना है, रेवेन्यू बेस्ड स्टैंडर्ड है तो आपका NDAs 115 उसको 10 घंटे देना है, और बाकी के बचे आपके मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक को बिल्कुल हल्के में मत लेना, ध्यान से आप इसका वेटेज देख लो, बहुत ज्यादा अच्छे से देख लो वेटेज, क्योंकि ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनमें से अच्छा खासा पोर्शन आता है, 25 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली मिसलेनियस टॉपिक में से आता ही आता है। ठीक है, तो आपको इसको लगभग लगभग 23 to 25 आवर्स आपको देने हैं। इसमें एथिकल अकाउंटिंग, फॉर अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आ गई इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल कितने आवर्स हो रहे हैं सर, ओवरऑल हो रहे हैं आपके 150 आवर्स। अब ऐसा नहीं कि मैंने 150 बोला तो आपका 150 में ही होना चाहिए, हो सकता है कुछ बच्चे 140 में भी कर ले, 130 में भी कर ले, यही चीज आप 130 में भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है।
प्रैक्टिस पर मैं आऊंगा अभी 2-5 मिनट बाद। उसके बाद अगर बात करें कि सर 150 से ज्यादा लग गए, तो हाँ देखो अप्रॉक्सीमेटली आपके 160 से 170 आवर्स भी लगते हैं ना, तो भी चलता है, तो भी चलता है। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप पर डे इफेक्टिव 10 आवर्स दोगे। अब आप पूरे दिन भर में एफ आर पढ़ो तो 15 दिन में हो जाएगा, पूरे दिन भर में एफ आर नहीं पढ़ोगे तो भी कम से कम एफ आर 5 घंटे तो पढ़ोगे तो आपका फिर 30 दिन में होगा। आप अकॉर्डिंगली ऐसे करके चल सकते हो कि भाई आप 15-15 दिन में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओ, या फिर आप महीने में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करो, एफ आर को भी 30 डेज चलाओ और एफ आर के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी 30 डेज चलाओ या 20-25 डेज चलाओ। तो आप जिस तरीके से भी लेना चाह रहे हो, मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली ये बता रहा हूँ कि इतना टाइम लगना चाहिए और इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत लग सकता है अपने अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। अब जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से जब हम फर्स्ट टाइम रिविजन करते हैं, क्योंकि जो ये शेड्यूल है ये आपका फर्स्ट टाइम रिविजन का है। अच्छा, गलती बताने से पहले सर नेक्स्ट टाइम रिविजन का क्या सीक्वेंस होगा? नेक्स्ट टाइम रिविजन का भी सीक्वेंस यही होगा, बस ये मान लीजिए कि जैसे 150 आवर्स मैंने दिए हैं या फिर जितने भी अपोजिट आवर्स दिए हैं, उसका मान लो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 50% to 60% देना पड़ेगा टाइम। मतलब अगर 150 आवर्स दिए हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको 90 आवर्स में अगली बार कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, आपको 90 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 100 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा अगली बार भी इसी सीक्वेंस में। अब बच्चा यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या करता है, आप बताऊं? मैं आपको एक सच बता रहा हूं और प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप सबसे बड़े मूर्खता ये करते हो कि एफ आर तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या दिक्कत है, एफआर प्रैक्टिकल है, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जाएं, प्रैक्टिकल एनडीएस करके जाएं, बात खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ी मूर्खता है हम सबकी, क्योंकि एफआर में कम से कम 25 से 30 मार्क्स के केस स्टडीज आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने आपको यहां पर भी बताया। तो होता क्या है कि ये मूर्खता के चक्कर में हम ऐसे एनडीएस जो थियोरिटिकल इंडियस होते हैं, कंप्लीटली थियोरिटिकल इंडियस होते हैं, हम उनके ऊपर फोकस अच्छे से नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वो कौन से वाले पे करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडियस 115, क्योंकि 115 सबको पता है कि उसमें मैक्सिमम पोर्शन थ्योरी है, पर उसके अलावा बाकी बचे हुए थियोरिटिकल इंडियस पे हम नहीं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते, इस वजह से हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता है। तो ये मत सोच के चलना कि आपका एफआर जो है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, मान के चलना कि 25 मार्क का थियोरिटिकल कॉन्टेंट पूछेंगे, वो केस स्टडी कंटेंट पूछेंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिकल टॉपिक्स की बात करो, ऑल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डू राइटिंग प्रैक्टिस। अब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि क्लास के दौरान मैंने उनको टिक लगवाया था एग्जाम 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 एग्जाम, आपको याद होगा मैंने हम क्वेश्चन क्वेश्चन करते वक्त ही मैं आपको एग्जाम एग्जाम टिक लगवाता हूं। तो आपको मिनिमम से मिनिमम वो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, पर अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ग्रुप वन दे रहे हो तो मैं तो बोलूंगा कि आप ज्यादा टाइम भी अलॉट कर सकते हो, 150 आवर्स के बजाय आप 200 आवर्स भी दे सकते हो, ठीक है? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का तो आपको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतने समझदार हो, इतने मैच्योर हो कि आपको पता है कि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हमें राइटिंग प्रैक्टिस फॉर्मेटिंग वगैरह करना ही पड़ेगा। गलती हम कहां करते हैं, गलती हम करते हैं यहां पर थ्योरी टॉपिक्स के साथ। थ्योरी टॉपिक्स में आपको कम से कम 40% क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे फिर इंडियस 115 हो, चाहे फिर इंडियस 8 हो, 10 हो, 24 हो, 37 हो, 34 हो, इंडियस 41 है, उसके बाद इंडियस 113 है, इंडियस 110 कंसोलिडेशन में बहुत सारा थ्योरी कंटेंट है। तो ये जितने भी थ्योरी टॉपिक्स हैं आपको उनके कम से कम 40% क्वेश्चंस आपको राइटिंग करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे और आप राइटिंग प्रैक्टिस करते करते आपको लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो आपको 40% क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हाँ जी, तभी मैंने आपको ये 150 आवर्स दिए। नहीं तो आपको हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ने ये 150 आवर्स कुछ ज्यादा नहीं दे दिए, 120 आवर्स में तो आराम से हो जाएगा। बेटा होने को ना तुम्हारा 90 घंटे में भी हो जाएगा, पर अगर तुम मान लो थ्योरी क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे नहीं, अपने आप को टाइम दोगे नहीं, तुम खुद बताओ, तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, तुम जब क्लास कर रहे थे तो क्लास के दौरान तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस अगर करवाई गई थी तो उसके बाद तुमने खुद से कभी राइटिंग प्रैक्टिस की, कभी नहीं की होगी शायद। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हें अपने आप पे काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें सेकंड टाइम रिवीजन के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, पर तुम्हें फर्स्ट टाइम रिवीजन में राइटिंग प्रैक्टिस करनी करनी है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं थ्योरेटिकल वाले जो तुम्हें ज्यादा फोकस करके चलने, वो ये वाले टॉपिक है, इन वाले टॉपिक को आराम से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। 115 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 24, 34, 37, 38, इंटेंजिबल असेट, जनरली आपको थ्योरी कंटेंट उसमें आता है,
ठीक है, 115 भी तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा 41 एग्रीकल्चर, उसमें भी थियोरिटिकल कंटेंट अच्छा खासा है। ठीक है, बात थियोरिटिकल कंटेंट इन द सेंस कि आपको लिखना पड़ता है उसमें। 101 हुआ, 108 हुआ, 111 हुआ, 113 हुआ, उसके बाद 103 और 110 का भी कुछ पोर्शन बहुत अच्छा खासा थियोरिटिकल कंटेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, 103 के अंदर बिजनेस वर्सेस असेट एक्विजिशन, ठीक है, 110 के अंदर कंट्रोल का डेफिनेशन, पावर का डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड आगे फर्दर पॉइंट्स एक एक तरीके से, कि वो उसके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखने में तकलीफ जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबको, सभी बच्चों को जाती है, पर मुझे इतना पता है कि 75% स्टूडेंट्स को तकलीफ जाती है लिखने में। सो आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का। उसके बाद ट्राई टू अटेम्प्ट पोर्शन वाइज टेस्ट, ये बहुत जरूरी है। ट्राई टू अटेम्प्ट पोर्शन वाइज टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी पोर्शन। जैसे मैंने यहां पर 6 पोर्शन लगाए हैं, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, पोर्शन 4, 5, 6। तो मेरा यह पर्सनली आपको रिकमेंडेशन है कि हर पोर्शन के बाद आप टेस्ट दीजिए। अगर आप टेस्ट दे सकते हो, आप कहीं का टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर लो, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर में आगे कुछ टेस्ट लाता हूं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप हर पोर्शन वाइज टेस्ट दो, वो ज्यादा बेटर है। बट मान लीजिए अगर आप ये मेरा वीडियो या फिर आप ये जो सीक्वेंस है ये बाद में कभी स्टार्ट करते हो, बहुत ही इनफ समय नहीं है आपके पास, तो चलो कोई बात नहीं, एक कंप्लीट फुल टेस्ट आप दे सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 100% रिवीजन। तो आपको एक बार टेस्ट तो देना ही देना है, पोर्शन वाइज टेस्ट के बाद आप फुल टेस्ट दोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लास्ट में फुल टेस्ट आपको देना ही देना है। साथ ही साथ आप क्या करना, जैसे जैसे आपके टॉपिक होते जाएं, जैसे जैसे आपके टॉपिक होते जाएं, आप ICI के BOS ऐप में जाके MCQs और केस स्टडीज को सॉल्व करना शुरू कर लो। ICI के BOS में जाके, BOS का जो ऐप है, एंड्रॉयड में तो होता है, मुझे iOS का नहीं पता, पर उनके ऐप में उन्होंने MCQs डाल दिए हैं और उन्होंने केस स्टडीज भी डाल दी है। अभी तो फिलहाल उन्होंने 4 केस स्टडीज डाली हैं और बहुत ईजी डाली हैं, तो आप वो सॉल्व करना शुरू कर देना टॉपिक के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद रिविजन लेक्चर्स, हाँ, अब यहाँ पर आते हैं कि सर मान लीजिए ये कंप्लीट हमारा जो रिविजन हमें करना है, सर बीच में हमें जरूरत पड़ती है रिवीजन लेक्चर्स की, तो सर रिवीजन लेक्चर्स का क्या करेंगे? आपके रिवीजन लेक्चर्स हैं क्या? बेटा एक बार जाके YouTube चैनल पे सर्च कर लेना, आपको कोई भी अगर लेक्चर चाहिए, आपको इंडेस 12 चाहिए, आपको कंसोलिडेशन चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऊपर नाम लिखना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय सीए जय चावला, तो आपको वो रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, मैंने रिवीजन लेक्चर की प्लेलिस्ट यहां पर डाल दी है। हालांकि इसके अंदर जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो थोड़े से पिछले अटेम्प्ट के हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई चेंजेस है ही नहीं। इंडेस जितना कंटेंट है वो पहले भी उतना ही, पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे रिवीजन की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक के टाइम उठाने से पहले मुझे एक ओवरव्यू मिल जाए, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एक तरीके से ये प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। हालांकि आने वाले अपकमिंग टाइम में नए रिवीजन वीडियोस भी जरूर आएंगे, पर आपको अगर मेरा वेट नहीं करना है नए रिवीजन वीडियोस का, तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो सर उसके लिए कोई आपकी बुक वगैरह परचेज कर लें, तो हमारे पास जो कंटेंट है वो बहुत पुराना है, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनके पास क्वेश्चन बैंक वर्जन 3.0 है या वर्जन 4.0 है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्जन 5.0 ले लो, उसमें आपको QR कोड वगैरह मिल जाएंगे, आपको पता ही होगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन बैंक वगैरह ले लो, आपको VSmart Academy में दिख जाएगा। वैसे भी अभी न्यू ईयर और क्रिसमस ऑफर में अभी उसमें वैसे भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट अभी चल रहा है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आपको रिवीजन करना है और आपने किसी दूसरी फैकल्टी से पढ़ा है, मुझसे नहीं पढ़ा है, तो आप मेरा चार्ट बुक ले सकते हो, चार्ट बुक से आपका रिवीजन बहुत ज्यादा क्विक हो जाएगा। चार्ट बुक भी आपको VSmart Academy वेबसाइट पे दिख जाएगा, बहुत ही कम प्राइस पर है, अप्रॉक्सीमेटली 299 रुपीज पर अवेलेबल है, तो चार्ट बुक भी आप अवेल कर सकते हो अभी के अभी। उससे कि आपको क्या होगा, उसके आपका बहुत सारे टॉपिक्स आपका क्विकली रिवाइज हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स, तो ये चीज आप कर सकते हो। सर मान लीजिए मेरा FR में कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्लास लेनी है, तो सर मुझे क्लास लेनी चाहिए तो मैं क्या करूं? मई 24 अटेम्प्ट है, सर मुझे रेगुलर कोर्स लेना चाहिए? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार रेगुलर कोर्स थोड़ा सा आपके लिए शायद बड़ा हो जाए, मे बी अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो फिर तो आपसे शायद कवर अप नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं कि मेरा एक नया एग्जाम ओरिएंटेड बैच आने वाला है बहुत जल्द, और वो आएगा लगभग रिजल्ट के आसपास, जो हमारा अपना जो रिजल्ट सीए फाइनल का आने वाला है वो डेट लगभग होने वाली है 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। तो आप मान के चलिए कि 10 जनवरी के आसपास एक नया
एग्जाम ओरिएंटेड बैच आएगा, आप उस एग्जाम ओरिएंटेड बैच का वेट कर सकते हो, अगर तो आप वो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स ले सकते हो। उसमें हम सफिशिएंटली 165 आवर्स के अंदर अंदर पूरा कोर्स निपटाएंगे और प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ निपटाएंगे। जैसा मैंने आपको ये शेड्यूल दिया है, इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ हम पूरी चीजों को निपटाएंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आप परचेज कर सकते हो, वो बहुत ही जल्द आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाली जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी। आपको ये शीट कहाँ से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत खुशी मिलेगी कि चलो ठीक है, बच्चों ने लाइक तो किया। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये शेड्यूल सही लगा, आपको लगता है कि आपको ये शेयर करना चाहिए, तो बाकी लोगों के साथ ये शेयर करना और मेरा वीडियो भी शेयर करना। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।